दोस्तों, कई बार आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हाई वोल्टेज आने की वजह से आज उनका टीवी जल गया या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान था जो जल गया। तो दोस्तों, इन सभी का कारण जो भी हमारे टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो जलते हैं, इन सब का कारण होता है सर्ज वोल्टेज। और इस सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्ज प्रोटेक्टर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सर्ज और सर्ज प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं और ये सर्ज प्रोटेक्टर कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्ज या फिर सर्ज वोल्टेज के बारे में। दोस्तों, हमारे घर में जो नॉर्मल सिंगल फेज या थ्री फेज कनेक्शन आता है, उसमें 230 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट की सप्लाई आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही कम समय के लिए, काफी थोड़े समय के लिए, ये वोल्टेज अचानक से बहुत बढ़ जाता है और फिर बहुत ही कम समय, नैनो सेकंड में, बहुत ही कम समय में वो फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो इस जो भी स्पाइक क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ज, जो काफी कम समय के लिए बहुत अधिक वोल्टेज हो जाता है और फिर वो नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्ज वोल्टेज। तो इन सर्ज की वजह से हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, जैसे टीवी है या फिर मोबाइल फोन है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये सब चीजें खराब हो जाती हैं। हालांकि इसका असर हमारे जो भी बड़े अप्लायंसेज हैं, जैसे आपका एसी, फ्रिज, कूलर है, तो इस सब पे उतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे सर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए हैं, उन सबको ये डैमेज कर देता है। तो ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ती है सर्ज प्रोटेक्टर्स की, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उनको इस तरह के वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर्ज क्यों आते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है जैसे कि आपके घर के आसपास में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ सकती है। हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं लाइटनिंग हुई हो, या फिर कोई अगर आपके आसपास में इंडस्ट्री है, तो उसका बहुत ही बड़ा मशीन अगर कभी बंद होता है या चालू होता है, तो उस केस में भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन महसूस हो सकती है। मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सर्ज आते हैं और हमारे अप्लायंस को डैमेज कर सकते हैं। तो इन सब रीजंस को, इन सब कारण को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है सर्ज प्रोटेक्टर की, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने अप्लायंसेज को सेव कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सर्ज प्रोटेक्टर कैसे काम करता है। दोस्तों, सर्ज प्रोटेक्टर में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसे हम लोग वैरिएस्टर बोलते हैं। दोस्तों, ये थ्री पिन प्लग में फेज वायर और अर्थ वायर दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया हुआ रहता है। दोस्तों, वैरिएस्टर जैसा कि नाम से क्लियर है कि मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब ये ऐसा डिवाइस है जिसका रेसिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये चेंज भी किया जा सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो ये कब चेंज होता है, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दोस्तों, क्या होता है, जैसे नॉर्मल केस में अगर आप सप्लाई ऑन है, नॉर्मल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो आपका फेज और अर्थ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, काफी हाई रेसिस्टेंस, तो नॉर्मली आपका सारा डिवाइस चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका कोई स्पाइक आता है, कोई सर्ज आता है, तो इसका रेसिस्टेंस काफी कम हो जाता है। तो क्या करता है, जो भी ओवर वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज का ओवरफ्लो है, वो अर्थ के थ्रू पास कर देता है, तो हमारे अप्लायंस तक वो नहीं पहुंचता है और वो अर्थ के थ्रू बाईपास हो जाता है। ऐसे में हमारा डिवाइस बच जाता है। तो ये काम है वैरिएस्टर का, जिसका इस्तेमाल से सर्ज प्रोटेक्टर्स हमारे डिवाइस को बचा लेते हैं। जब भी कोई वोल्टेज का पीक आता है या वोल्टेज का सर्ज आता है, तो उसको अर्थ के थ्रू बाईपास कर देते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ कि सर्ज प्रोटेक्टर कैसे काम करता है। लेकिन अगर कोई सर्ज प्रोटेक्टर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, सर्ज प्रोटेक्टर अलग अलग कैपेसिटी के लिए आते हैं। जैसे आपको कितना एम्पियर का, कितने लोड का अप्लायंस चलाना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैपेसिटी के सर्ज प्रोटेक्टर आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कितने लोड का, कितने कैपेसिटी का आपको सर्ज प्रोटेक्टर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ये चुन लीजिए कितने कैपेसिटी का आपको लेना है। सेकेंड, उसमें आता है जूल कैपेसिटी करके एक उसमें पैरामीटर होता है, तो आपको वो चीज देख लेना है कितने जूल का वो आपका सर्ज प्रोटेक्टर है। जैसे 200 का है, 400 का है, तो अलग अलग कैपेसिटी का आता है, जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब है कि जैसे किसी का 200 जूल कैपेसिटी है, इसका मतलब वो उतने कैपेसिटी का सर्ज बर्दाश्त कर सकता है, उससे अधिक हुआ तो वो नहीं झेल पाएगा, हो सकता है आपका इक्विपमेंट डैमेज हो भी जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने, मतलब अधिक से अधिक, जितना अधिक होगा जूल कैपेसिटी उतना बेटर है, आप जितने कैपेसिटी का अफोर्ड कर सकते हैं उतने अधिक कैपेसिटी का खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रेस्पॉन्स टाइम। दोस्तों, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है कितने क्विक वो एक्शन लेता है। जैसे अब जैसे भी सर्ज आता है, वो काफी कम समय के लिए रहता है, हालांकि ये एक्ट भी करता है नैनो सेकंड में, बहुत ही कम समय में ये एक्ट करता है, लेकिन फिर भी जितना कम होगा उतनी जल्दी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर थोड़े समय के लिए भी सर्ज आपके अप्लायंस पे चला जाता है, तो वो आपके इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में बेटर है कि आप कम से कम रेस्पॉन्स टाइम वाला सर्ज प्रोटेक्टर खरीदें। तो सब
आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, कितनी कैपेसिटी का आपको जरूरत है उतनी कैपेसिटी का ले लें, या और दूसरा आपको जूल कैपेसिटी कितना मिल रहा है, और तीसरा आपको रिस्पॉन्स टाइम उसका क्या है। तो ये तीन बातों का ध्यान रख के आप सर्ज प्रोटेक्टर खरीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सर्ज और सर्ज प्रोटेक्टर के बारे में सारी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए तक नई नई वीडियोस लेके आते रहता हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि आप आने वाले अपडेट्स देख पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।